दुनिया के सबसे काले टाइम पे उम्मीद की किरण जाग्या करे। ईसाई 10 साल पहला होया, जब सारी जादुई दुनिया उसके आतंक के तले दबरी थी, जब होई एक भविष्यवाणी। अंधेरे ने मिटाण वाली ताकत आला आएगा, मुंह दोरवा ताकत होगी, जो बुराई ने कदे समझी को नहीं। उसकी बराबरी करने वाला जब आएगा, जब सातवां महीना खत्म होगा, वो उनका पैदा होएगा जिन्हें शैतान 3 बार ललकारा हो। एक के जीन थे, दूसरा जी नहीं पाओगा, एक ना मरना पड़ेगा। जब उसने भविष्यवाणी सुनी तब वो उस छोरे ने हैरी पॉटर ने मारन चलया। उसने हैरी पॉटर के माँ बाबू तो मार दिए, पर वो हैरी ने ना मार पाया और हैरी पॉटर बन गया वो छोरा जो बच गया। क्यों होया कम मुंह सा लटका रहा है? फिर तो वो ही सपना आया कि मन तो एक का बात समझ में ना आती, तन रोज रोज एक का सपना क्यों करा हुआ है? हमने तो नू भी याद ना रहती सपने में देखा के था ना बेरा, पर रोज एक का चीज दिखे। एक आवाज, बेटा चिंता मत करिए, तेरी मम्मा तेरी क्या ले, कुछ ना हो तेरा। एक चीख और मौत मेरे माँ बाबू की। पर तू तो बहुत छोटा था जब यो सब होया, इतनी छोटी उम्र में देखी और चीज क्यों कर याद रह सका है? पर यह बात तो देख सोचण की है, वो जादूगर जी तो पूरी दुनिया डरया करती, वो 1 साल के छोटे से बालक ने मार दिया। मारी तो बुद्धि में यह बात बढ़ती है ना। तेरी बुद्धि में तो बड़ा भी कौन है, बड़न ती दिमाग होना चाहिए और तेरी खोपड़ी में तो नरा गंद भरया से। आ जा ज्ञानी माता, तू बता दे जब। और तेते किसने कह दी खैरी के माँ बाबू ने मारने वाला मर गया? जब 10 साल थी किसी ने वो देखा ही कोन्या, तो इसका मतलब तो यो ना कि वो मर गया। और जब कोई 10 साल थी ना दिखा तो इसका मतलब यो थोड़ी है अक वो मर गया। डंबलडोर और मिनिस्ट्री के बाकी बड़े जादूगर न्यू मान्या करे अक वो इबी भी कोन्या मरा, अक वो आज भी जिंदा है, बेबस बेसहारा, और वो इंतजार में है अक वो कद हैरी पॉटर ने मारेगा। तुमने तो इतनी छोटी सी बात भी ना दे रहा। तू है ज्ञानी बाबा, हम तो वो खाते अंडे हैं। और ज्ञानी तो मैं सुए जितनी तू साल भर में किताब पढ़ा है ना, उतनी तो मैं एक दिन में पढ़ दू। ईशा ज्ञान है ना, पढ़िया पढ़िया अंडे कर, कुत्ता भी ना बूझता ही ना। अच्छा कुत्ता भी ना बूझता? अरे तू कल बुझन लाग रहा था पेपर में, तने मैं दिखाऊंगी अगली बार। थारा फेर खुट्टा बाज लिया, थारी बात के चक्कर में ही आड़े पड़े रह जाएंगे। चल लो, चलना भी है, भूख ना लाग रही के। आ रहा है, चलो रे चलो, बहुत करड़ी भूख लाग रही है ना, तो सब कम नमटा पाओगा। चलो चलो को डायमंड खा के छक लियो, तो बुड्ढे की ज्ञान की बात भी सुन लियो। बड़े बुड्ढे की माननी चाहिए बेटा, क्या कल पड़ेगी थरा दमागू भी जर खाया पड़ा है। ओहो यो बुड्ढा तो फिर शुरू होगा। और ताऊ थोड़ा तावड़ी निमटाइए। तेरा बड़ी तावड़ी लाग रही दौड़े बाल आले, हैं तुमन निमटाने ही सोच रहा, तू ना निमटता। हाँ तो बालको आजकल थारी बहुत शिकायत आने लाग रही से। अरे थरा स्कूल से हो बकस दो ही ना, क्यों ही के गीटन ले जान हो रही हो? बता ये स्कूल के ऐसे ही शिक्षकों ने टो बगाए तमने, जो आज थी मन ने भी ना देखे थे। अरे सुधर जाओ मका, मैं थारे घर आवे लाड़ा ले भेज दूंगा, फिर थारे घर के आओगे ना जब,
जब मारेंगे थरक चुतड़ा पे छोटे जब होंगे तब लीले सीधे मैं कति नहीं बचाऊंगा कते मारो कल की फिर होता हुआ जा बचा ले छोड़ा दे मैं नहीं बचाऊंगा कति सुन लो बालको स्कूल की तीसरी मंजिल पे कोई सा नहीं जागा ये तीसरी मंजिल के चौथे कॉरिडोर के पांचवें कमरे में सारी डिटेल दे दे ने हां ये इतने ऊंट बालक से उड़ा भी जाकर ये गंद खिंडाए आवेंगे तू साफ करता आंटिया फिर मैं नहीं करूंगी साफ बता दी समन है बेकुपला रहे हैं के कती मैं नहीं साफ करूंगी कती अरे छोड़ दो उबी न सब बेरा से कितके दरिया से कितके ना हां ता कित्था मैं हां और स्कूल की तीसरी मंजिल पे मत जाइयो होता हूँ क्या मना है हम देख है उड़े एक तीन मुंह वाला कुत्ता बन रहा है बस बारह सा क्या की रखवाली करे था तू जरूर लको का आया होगा क्या मैं उड़े ओ तरीक है ना सठा दिया तुमने भी बेटा वो तारी सारी मरोड़ खंडा देगा तीन मुंह वाला कुत्ता हो तारे टूक टूक खंडा देगा फिर चुक चुक कर लेने पड़ोगे तुम होता हुई चुप भी हो जा दो घंटे हो गए तेरा बोलते मारे तक तरह कभी कान खा लिए हाँ तू चला जा कट हो रही ना बार तो सरे बड़े मोटे कती शर्म नहीं करते हाँ तो बालको आखिरी बात यह है कोई भी बालक खोटे खोदता अड़ बात करता पदम मचाता पा गया तो फिर उसने सजा के तौर पर बटोड़े वाले भूतिया जंगल में भेज दिए जाओगे बताऊ कितना कोई बटोड़ा ना ही बुरा है सारा नवा मांग की वो पाड़ लेगी हाँ मतलब जो भी है वो डरावने जंगल में भेज देंगे वो भी रात ने और उड़ा इसे इसे डाल के जानवर है इसे इसे डाल के मन्ना बिना बेरा किसे डाल के और मेरी एक बात हरदम याद रखियो बेटा इस धरती के कुछ नियम कानून है जिसने जादू भी नहीं तोड़ सकता तुम सोचो जादू सब कुछ है बट कुछ नियम कानून ऐसे हैं जो जादू से परे हैं एक बात हमेशा याद रखियो पेड़ पर टूटे और पत्ता उल्टा नहीं जुड़ा करता चाहे कुछ हो जाओ आज तो डंबलडोर ने बूंदे पका दिए मैं तो उड़ा सोन हो रहा था हाँ आज तो मैं भी कभी बूंदे वाली पक गई ओहो देखो रे देखो कौन आया सा हरी पुत्र ऊ की गैला दो कीड़े भी आए सा एक मकोड़ा और एक मच्छर तेरी दिक्कत के है क्या मैं दिमाग विमाग चल रहा है दिक्कत है दिक्कत सा भाई वो क्या है ना यार नहीं तेरी बूंदी शकल देख रहा पसंद है कौन ओहो तू तो बहुत सुथरा है ना दोड़े मुंह पर काले चश्मे ला रहा बेरा किसा लग गया है किसा लग गया है बताऊं किसा लग गया है अरे किसा लग गया है इसा लग गया जनू पूरा बंदर आंख बनवाए बैठा है सही कह है भाई लागत ईसाई है अरे ओ लाल वाले तू भी के बोल रहा है ओ काते देख बोल ले सही कह है भाई तेरे जिसे गंदी लेगी भी के औकात जो मारता बोल रहा है अरे ओ लाली बॉर्डर जी छह भाई छह के घर में हम सारा खून भरा हो ना इतने में तो हम बस अपनी लेटरिंग की सीट टिकवा रहे था और तू मेरी के रीस करेगा अरे ओ चीप छाप तेरी इतनी हिम्मत होगी तू मारते इतना बोल रहा है तेरी दे ही न तोड़ूंगा रोन तू पागल हो रहा है के भूल गया डंबलडोर ने के कही थी जो भी बड़ा लड़का पा गया ना उसे डरावने जंगल में भेज दे अरे मैं नहीं आज मन्ना रोका है आज तेरे मुंह ने तोड़ कर छोड़ दूंगा यो भी के बोल रहा है अरे ओ मैलफॉय लगा तू पांचवी बार की सिताई भूल गया लो भाई बूसड़े बाला वाली भी बोली आज तक मारो ये बुरे बंदर के छोड़ी होना ही ना कति भी की सोर सी बनी है कति डोलू बोलू अटैक उस्ताद हमारा नाम डोलू बोलू कौन है क्रैबर गोइल है हाँ अरे जो भी हो तो मला कर दो बस ओबला बत्ती बोला ये बोल ना ये बोल के आगे तो आगे तो कही है ना तू आयर मार दिया रे अरे डोलू बोलू मदद करो बोलू उस्ताद ते छेत बगाया छुड़वाया उसने तन मैं बताऊंगा ना डोलू तीन तीन घाघर छिड़ रहे हैं हमने भी पीट देंगे सही कैसे बोलू दूर तय देखना सही से कदे वे हमने भी छेत बगावे अरे एकला देख के पीट दिया कि
जब मेरे बापू ने फेरा फाटेगा ना सारी गला गनी बुंडी हो जाएगी। हमने फेरा है मेरा बाबू कौन है? अरे जा बुला लाइए अपने बाप डेड ने भी, उन्हें भी देख लूंगी। ले भाई सासड़ गए हैं कति पाजी पाजी आई सु। अरे ए मैलफॉय ए डेड के बीच बाजले, अरे बाजले तेरे बाप डेड ने बेचे डाले ठाले गे बेच कुमान वाले। रे दो हाथा ना पकड़ रहे थे, रे दो पाया ना पकड़ रहे थे, अरे ठाक ले जान ना गरे थे। ए छोरे बाजले कोटा करके तू थोड़ा सोटिया मारे सब का बाजले खा लियो पकड़ लियो अपने बाबू ने। आए बाबू आओ सुबह डटता तू। अरे झाड़ू ले जाइए ऊपर बैठ कर जाइए उड़ता। हाँ बाल को जो काम दिया था कर लाए, जना करके लाए होगे ना तो सजा मिल लगी। फिर हांडियो रात न डरावने जंगल में। हाँ ग्रेंजर तने तो कर लिया होगा। हाँ प्रोफेसर जाते ही कर लिया था। अरे तू वीजली तने कर लिया? जी मैंने काम तो पूरा कर लिया था, पर वो मेरा चूहा है ना सारे कागज कुतरती है। आप चाहो तो हरमाइनी तो बुझ लो। वो तो मैंने बेराए था तू अर काम कर ले चाड़ा ही नहीं पाट जागा। तू नू ना सुधरा तर ते सजा मिल कर होगी। करी आज रात ना सह डरावने जंगल की। प्रोफेसर बितरा जाऊंगे। ओहो महाराज जी ते ई बपधारे। हाँ साहब जी ये तेरा आन का टाइम है। जी मेरे बाबू ने आज कमाने वाले ठा लेंगे। जी मैं तो उससे ने देखने गया था फिर झाड़ू पे बैठ कर, अरे वह झाड़ू उड़ गया मन नहीं गिर कि मेरा सिर फूटेगा। मेरे लखे तेरा बाबू और तू क्यों मैं करो मन ने के, पर तू न्यू बता तेरे बाहर जाने की परमिशन किसने दी? जी किसी ने ना दी। तने मैं बनाऊंगी राजा, तने भी मिलेगी सजा। प्रोफेसर मैकगोनिगल। ओ यो आ गया कसाई, पक्की बात हमने फसवान आया है। अम्बे हमने रवाई बनाई की खास थोड़ी मट्टिया करे। सही में। हाँ प्रोफेसर स्नेप क्या हो गया? प्रोफेसर मैकगोनिगल आपकी क्लास के तीन बालक सुबह कॉरिडोर में लड़ते सुने ट्रैको मैलफॉय गेल। कौन ये तीन? आपको किसने बताया प्रोफेसर स्नेप? ट्रैको मैलफॉय ने बताई है। हाँ प्रोफेसर गने बुंडे मार रखे सर। मतलब डर भाई कतिये खत्म हो गया दे ही तो बाहर हो गई तम। प्रोफेसर मेरे वाले कर दो कती से कर दूंगा सांस का डंत पहला भी सोचेंगे। नहीं प्रोफेसर स्नेप आपका काम था खबर देना, आगे मैं आप देख लूंगी। आप किराए किससे ने ना मांगी, आप जा सको। हाँ अतम चारू। प्रोफेसर केवल तीन सही है। तुम भी मिस्टर मैलफॉय लड़ाई तुम चारुआ ने करी थी, इस मारे सजा भी चारुआ ने मिलेगी। जाइयो ही फॉरबिडन फॉरेस्ट में। बताओ कतिये बैग खत्म हो गया क्या? मैं मानते ही नहीं। हाथ है बालको चलो चल लेंगे भूतिया जंगल में। ये भूतिया जंगल में डरियो मत ना, कुछ भी हो जियो और तब ने मेरी गल्ला रहना है। एग्रीड उड़ है किस किस डाल के जानवर पाओगे? जानवर तो भाई कई डाल के पावेंगे उड़े। यूमिकोन आदमी के सराले घोड़े और भाई हाथी जितनी बड़ी बड़ी मकड़ी। मकड़ी पाऊंगी मैं ना जाता फेर। अरे भाई बेड़िए और हिरण अर चांद के बाछड़े अर उड़नी गाड़ी अर भाई भूत भी से। भूत ते चल जागे पर न्यू बताओ उड़े चुड़ैल ते ना पावेगी ना? अर मने ताज भूत की फिल्म भी देखी थी, उमन री डरावनी चुड़ैल थी। अच्छा कौन सी? चुड़ैल की चुंदड़ी। अरे उमे तो के पांव भी उल्टे थे और
बात काले रंग की चूंदड़ी भी ओढ़ रही थी और उसके नरे लंबे लंबे नाखून थे और आज तो पूर्णिमा है, चुड़ैल अपनी पूरी टोली गल लिखेगी। आए रे ग्रिड, मन अपनी गल राखिए। मम्मी मन अपने घर आ जाना से। सारे बालक मेरी गल आ रही हो, जब कोई सा टोकू गया तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। यो एकदम तो सर में दर्द क्यों हो वे? यो मैं किता गया। हैग्रिड, हरमाइनी, रॉन कित गए सब? कौन कौन है? देखो जो भी है शाम आ जाओ, मैं न्यू ना डरूं। हम कितने साल बाद मिलने लग रहे हैं। कौन है तू? मतलब तू आज भी जिंदा है, पर क्यों कर? तू क्लास में ध्यान न देता है रे, जब मैं तू तेने कुछ न मेरा बढ़िया होता तो पीरा होता कि यूमिकॉन का कौन जीवन दान देता है। पर यूमिकॉन मारना तो पाप हुआ, उससे श्राप मिल लिया करे। तने क्या चाहिए मेरे ते? आज कुछ लेना, कुछ देना है तेरे ते। एक तोहफा बहुत खास। तू क्या देगा मेरे ते? तेरे सब कब तक छीन लिया मेरा? मेरे माँ बाबू छीन लिए मेरे ते, मेरा बचपन छीन लिया मेरे ते। पर मैं उन्हें उल्टे जिंदा कर सकूं हैरी, मैं इससे पूरी करते हैं। यो तेरे माँ बापू ने भी उल्टा लिया होगा। तू झूठ मत बोल ले मेरे ते, मरे और लोग कद तो उल्टे आन लग गए, यो नामुमकिन है। मुमकिन क्यों ना है, तो खुद बता है रे, तने 11 साल की उम्र में पेरा पढ़ने, अब तू एक जादूगर है। उसने पहला कितने दिन जादू भी नामुमकिन ना था, और आज दे तू जादू की दुनिया में और जादू सीख है, यार सब मुमकिन है, सब मुमकिन है रे। मैं तेरे माँ बापू ने उल्टा लिया होगा, बस तने मेरा एक काम करना है। इस शाही बाग के दर्पण में दे एक लाल रंग का पारस पत्थर मेरे ते दे दे। पर ऐसा कदम लग मेरा विश्वास ना होता तो खुद देख ले, इस शीशे में तेरा अपनी मां दिख जागी। देख हैरी, देख मां।
आजा हैरी आजा, हमने वो जिंदा कर देगा। आजा हैरी आजा, यो शीशा हमने जिंदा कर देगा बेटा। यो पत्थर उठा ले। था हैरी ये पत्थर उठा। पर डंबलडोर ने तो कही थी। और एक बात हमेशा याद रखियो, इस धरती के कुछ नियम कानून हैं जो जादू भी नहीं तोड़ सकते, और जो चीज उनने तोड़ती दिख है वह बस एक छलावा है। मतलब यो बस छलावा है। मेरे माँ बाबू ने मेरी आंखें आगे मारन वाले पे मैं कदे विश्वास ना करूं। योगे करा मतलब तेरे साफ सुथरी बात समझ में ना आती, ते ठीक है मरण दी तैयार हो जा। तू हैरी उठ गया बेटा? प्रोफेसर डंबलडोर, वो जंगल में वो शीशा, वो वोल्डेमॉर्ट, वाघ, मेरी माँ। बेटा घबराओ मत, हमने सब बेरा है, ठीक है, पर ये डर मत, वो चला गया। पर प्रोफेसर, अगर वो हैरी ने मारन आया था तो उसने सीधा हमला क्यों ना करया? बेटा क्योंकि वो पारस पत्थर लेना चाहता था। यो पारस पत्थर के हो है इबे? इब तेरे तक के समझाऊं रे? अरे जब ना बेरा था नेट पे टोलियो ने वो गूगल गागल के हो से ऊपर काट लियो। हराम ना गूगल गागल की जरूरत कौन है, मार दो रहा ग्रेंजर से। हरमाइनी बेटी समझाइए ना एक बार। पारस पत्थर एक पौराणिक वस्तु है जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकती है, और ये जीवन दान देने वाला अमृत को बनाने के काम भी आती है। डार्क लॉर्ड इस पत्थर ने इस मारे पाना चाहो था ताकि वो अपने शरीर में उल्टा पा सके और उसने फिर तक जीवन मिल जा, पर वो कामयाब ना हो पाया। तय के हैरी की जान पारस पत्थर ने बचाई। कती नहीं, हैरी की जान पारस पत्थर ने नहीं बचाई। हैरी की जान आज भी उस तरह बची है जो कर 10 साल पहला बची थी। मतलब हैरी खुद बच गया? ना 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 ना, सब ने बस न्यू बेरा है। 10 साल पहला हैरी पॉटर उस रात ने बच गया था, पर किसी ने न्यू नहीं बेरा वो क्यों कर बचा था। उस रात जब वोल्डेमॉर्ट हैरी ने मारन आया था तो उस रात उसने हैरी की माँ ते मौका दिया कि तू चली जा, मने वो हैरी चाहिए। पर वह माँ थी अपने छोरे ने छोड़ क्यों कर चली जाती। इस बात के मारे वोल्डेमॉर्ट ने हैरी की माँ मार दी, पर उसने एक बात पर ध्यान ना दिया कि हैरी की माँ के बलिदान ने हैरी के आसपास एक कवच बढ़ा दिया जो आज भी उसकी नस्सा में दौड़ा कर। फिर जब उसने हैरी पे श्राप मारा तो वो श्राप कवच पर टकरा कर उससे पे उल्टा पड़ गया, और हैरी बन गया वो छोरा जो बच गया। हैरी दूर कोई खास शक्ति ना थी, बस एक चीज थी, वो था प्यार। और वो वोल्डेमॉर्ट कदे नहीं समझ पाया। हैरी की जान 10 साल पहला भी उसकी माँ के प्यार ने बचाई थी, और आज भी, और जब थी उस बलिदान का असर रहेगा, वोल्डेमॉर्ट हैरी का कुछ नहीं कर पाओगा। ए बेटा देखे एक माँ का प्यार, मैं भाई तेरी माँ ना जाना करती, वह बहुत कम लगाई थी भाई, बहुत बढ़िया डब्बन थी मेरी, फूलो का आया करती मैं उसने। फूलो को ना लिल्ली नाम था उगा। अरे लिल्ली भी तो फूलोए होस है, पर हम तो भाई फूलोए का आया करते प्यार प्रेम। और भाई दुनिया चा क्या मां कहती है? हाँ अरवा तने बरतो कहती होगी है ना। अरे छोरे बड़ा घना फ्रैंक मत हो मेरी गल्ला, ना देख ले रोडा पर सोटे मारूंगी। तो इस तक ये पता चल रहा है कि अगर मार दो रहे इसे लोग हो जो मारते प्यार करे मारी कदर करे तो दुनिया की कोई काली शक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। और हैरी दोरे तक कितने सारे लोग हैं? मैं रहा हमारे घर के रहे, तू क्या ना खाया?
अरे छोरे तू क्या ना खाया, मर रही रे। तैयार हो जाए हैरी पॉटर, इब खुफिया तय खाना खुलने वाला है। Thank you.